स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रहत राकेश टंडन और विशेष पेशकश किस्सा कुर्सी का। जी हां, इसमें हम आपको बताएंगे कि अब सेकेंड फेज और थर्ड फेज के लिए पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं, कौन सा नया वार है। आपको ग्राउंड पर भी ले चलेंगे, जानेंगे कि हां फर्स्ट फेज के बाद अब पब्लिक का रुझान किस तरफ है, तेजस्वी ने क्या कहा, चिराग पासवान ने नया अटैक नीतीश पर क्या किया है, ये सब कुछ आपको बताएंगे किस्सा कुर्सी में। बिहार चुनाव में दूसरे चरण का घमासान शुरू हो गया है, स्टार प्रचारकों का प्रचार तेज है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिवान और दरभंगा में करेंगे प्रचार, तेजस्वी आज 13 रैलियां करेंगे, सीएम नीतीश कुमार भी आज 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ये शेड्यूल है आज बिहार का, 4 जनसभाएं करेंगे नीतीश कुमार, 13 करेंगे तेजस्वी यादव और योगी आदित्यनाथ, स्टार प्रचारक बीजेपी के, वो भी 2 जनसभाओं को बिहार में संबोधित करेंगे। एलजेपी नेता चिराग पासवान का बड़ा दावा है, बिहार में बनेगी एलजेपी और बीजेपी की सरकार, यह कहना है चिराग का। 10 नवंबर को बदल जाएगा समीकरण, चिराग पासवान ने कहा है। नीतीश कुमार ने जनरल डायर की भूमिका निभाई, यह चिराग का कहना है। यह आरोप पहले तेजस्वी यादव ने लगाया था कि दुर्गा पूजा बिहार के लिए बड़ा उत्सव है और जिस तरीके की घटना हुई है मुंगेर में वो शर्मनाक है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कल तेजस्वी यादव ने और आज इसी चीज को एंडोर्स किया है चिराग पासवान ने। घटना तक लोगों के दिमाग में थी, नवरात्रि एक बड़ा त्योहार होता है पर उसके बाद दुर्गा विसर्जन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक जनरल डायर की भूमिका वहां पर निभाई और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा वहां पर निर्दोषों के ऊपर गोली चलवाई, उनके ऊपर लाठियां चलवाई, उनको पीटा बर्बरता से, तो इन तमाम चीजों को जनता ने याद रखा है और जिस तरीके से फीडबैक मुझे मिल रहा है खासतौर पर मेरे प्रत्याशियों का, ये मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, एक बात तो तय है कि अगली 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी का पुनः बिहार में मुख्यमंत्री बनना संभव होगा, उनकी विदाई तय है और भाजपा लोजपा की सरकार नई 10 तारीख को एक नई सरकार, विकास की सोच रखने वाली सरकार 10 तारीख को बिहार में बनने जा रही है।